और इस बीच देहरादून से खबर, केंद्रीय बीजेपी संगठन ने बेबी रानी मौर्या को दी बड़ी जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्या को बनाया गया बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इन्हें कोई और पद दिया जा सकता है। तो फिलहाल इस अटकलों पर विराम लग गया और यह तस्वीर साफ हो गई है कि केंद्रीय बीजेपी संगठन ने बेबी रानी मौर्या को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बेबी रानी मौर्या को बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दे दिया था। तो बेबी रानी मौर्या को बीजेपी की राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया गया, उनके कंधे पर नई जिम्मेदारी मिली है। चुनावी मौसम में ये नई जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्या के लिए एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब बीजेपी की तरफ से बेबी रानी मौर्या को दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने स्पष्ट से इस्तीफा दे दिया था और ये कयास भी लगाया जा रहा था कि बीजेपी कोई ना कोई दूसरा पद बेबी रानी मौर्या को दे सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और आज तस्वीर सामने आ गई है, आज वो खबर निकलकर सामने आ गई है कि बेबी रानी मौर्या को दूसरा पद दिया गया जो अहम है, जिम्मेदारी वाला पद है। केंद्रीय संगठन ने बेबी रानी मौर्या को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बेबी रानी मौर्या को बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दे दिया था कुछ दिन पहले, तो उनकी जगह पर दूसरे राज्यपाल आए हैं और ऐसे में अब बेबी रानी मौर्या को नई जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो चीफ शायन चौधरी जी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शायन चौधरी जी, जो यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा पद बेबी रानी मौर्या को मिल सकता है, और आज तस्वीर साफ हो गई। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेबी रानी मौर्या जो अभी तक राज्यपाल रही हैं और वो पूर्व राज्यपाल हो गई थी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है और उनको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया गया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है उनको बनाया गया है। जिस समय उन्होंने राज्यपाल पद से इतना इस्तीफा दिया था, उसी समय कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इनकी राजनीति में वापसी हो सकती है। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर साफ ये संकेत दिया है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय स्तर पर निभानी होगी और उसी के क्रम में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ा कद जो है और बड़ी जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्या को राज्यपाल हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दी है जी। लेकिन अब बेबी रानी मौर्या की क्या जिम्मेदारी हो जाती है, क्या प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी चुनौती के साथ मैदान में उतरेंगी, काम करती नजर आएंगी। देखिए, श्रीमती बेबी रानी मौर्या जो है आगरा से आती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश में पार्टी उनका भरपूर जो है सहयोग लेगी और जिस वर्ग से वो आती है उस वर्ग को जो है साधने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। हो सकता है पार्टी उनको चुनाव भी उत्तर प्रदेश से लड़ाए या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाए, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। मगर जिस तरह से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, साफ संकेत है कि चुनाव से पहले पार्टी उनका उपयोग करना चाहती है और कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो आती है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी है, वहाँ उनका भरपूर जो है उपयोग करना चाहती है जी। काफी उनको अनुभव है, काफी उनका प्रभाव है जनता के बीच, तो बीजेपी को बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है बेबी रानी मौर्या से। देखिए, फायदा मिलेगा नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर पार्टी अपने तरीके से जो है जरूर बिसात बिछाती है और तैयारी करती है चुनाव हो या उसके इतर हो, मगर जिस तरह से चुनाव है, चुनाव से पहले उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्यपाल जैसे पद से हटाकर संगठन में लाया गया है, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो पार्टी ने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा और पार्टी उनका उपयोग करना चाहती है और साथ ही उनको चुनाव में उनका लाभ भी लेना चाहती है, तो इसी उद्देश्य से उनको राजनीति में लाया गया है और उसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया है जी। ये एक तरीके से नई शुरुआत होगी या फिर अनुभव है उन्हें, ये नई जिम्मेदारी माना जाए, नई तरीके से वो शुरुआत करेंगे। नई जिम्मेदारी आप जरूर इसे कह सकते हैं और राजनीति में कोई वो नई नहीं है, इससे पहले भी आगरा की मेयर रही हैं तो राजनीति का काफी अच्छा
अनुभव उनको है, और जैसे मैंने बताया कि आगरा और आसपास के क्षेत्रों में उनका काफी प्रभाव माना जाता है और राज्यपाल भी वो अभी तक रही हैं, तो ऐसे में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के नई जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव को लेकर जो है पार्टी उनका उपयोग लेना चाहती है, उनका लाभ लेना चाहती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शांत चौधरी जी ब्यूरो चीफ देहरादून से इस खबर पर जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। तो बेबी रानी मौर्या को नया पद मिला है, राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्या ने इस्तीफा दे दिया था और अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के साथ बेबी रानी मौर्या काम करती हुई दिखाई देंगी।